सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र जिसे बादरायण ऋषि जी की रचना कहते हैं के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 31वें मंत्र जो कि आखिरी मंत्र है इस पाद का को आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस सूत्र में यह बताया गया है जीव मुख्य प्राणी लिंगात नैति चेत उपाशात्र विद्यात आश्रित्यत्वात इह तत्यो। तो ये कह रहे हैं कि जो अधि कहो के जीवात्मा और प्राण रूप से जो प्रसिद्ध है वह उसके एक ही लक्षण पाए जाते हैं, तो यह और यह प्राण जो है ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कहना सही नहीं है, क्योंकि इसे त्रिविध उपासना की परिस्थिति उपलब्ध हो जाएगी और अंततः इनका जो आश्रय है वह आश्रय तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के आश्रित हो जाने के कारण ब्रह्म के लक्षणों का ही यह कथन है, ऐसा ही माना जाएगा, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो जीव के जो भी लक्षण हैं, हाँ, तो प्राण जो है वह जीव का लक्षण होता है कि जब तक प्राण धारण करता है तब तक जीव जो अपना शरीर धारण किया हुआ है, उसके बाद प्राण समाप्त हो जाते हैं तो जीव का वह लक्षण समाप्त हो जाता है, फिर वह नया जन्म लेगा। तो इसके कारण कहेंगे कि यहाँ पर जो प्राण शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इसके लिए प्रयोग हुआ है तो यह सही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राण खुद किसके आश्रित है? प्राण जो है वह ब्रह्म के ही आश्रित है, इसीलिए यह ब्रह्म का ही लक्षण माना जाएगा, प्राण का लक्षण नहीं माना जाएगा। प्राण को माने भौतिक देह का इसका लक्षण नहीं माना जाएगा। कौशितकी उपनिषद में बताया गया है ना वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्धात, कि इसका अर्थ यह हुआ कि वाणी को जानने की इच्छा नहीं करनी है, तो इच्छा किसी करनी है वक्ता को जानने। यानी यह एक निर्देश दिया गया कि हम लोग को किधर बढ़ना है, वाणी से हमें पता नहीं चलेगा ना। वाणी तो मान लीजिए कि हमारी नकल करके कोई और भी वाणी बना सकता है, या टेप रिकॉर्डर से भी आवाज आ सकती है, उससे स्पष्ट बोध नहीं होगा। स्पष्ट बोध तब होगा जब वाणी के साथ जो वक्ता है उसका हमें बोध हो, कौन बोल रहा है, जब हमें उसका प्रत्यक्ष बोध होता है तब हमें ज्यादा अच्छा से पता चलता है वस्तु स्थिति का। तो वही कह रहे हैं कि वक्ता का बोध होना चाहिए, यानी इस सिद्धांत को उसमें आपको लगाना है कि यह जो प्राण है ये कहाँ से आता है, इसका मूल स्रोत क्या है। तो यहाँ वक्ता से मतलब है स्रोत से, तो वहां स्रोत वाणी का स्रोत तो वक्ता से है, तो उसी तरह से इस प्राण का स्रोत कहाँ है, तो ब्रह्म से है। तो कौशितकी उपनिषद जो है यह हम लोग को एक संकेत दे रहा है कि इस तरह से हम लोग को पता लगाना है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये प्राण का वास्तविक स्रोत क्या है, ये इसका आश्रय कौन है, आश्रयदाता इसका कौन है। तो आश्रयदाता ब्रह्म है, इसीलिए प्राण जो है ये ब्रह्म का वाचक माना जाएगा। और कई जगह इसका प्रयोग भी हुआ है शास्त्रों में, प्राण के अर्थ में प्राण आत्मा कहा जाता है। तो वहां पर जब भी प्राण आत्मा की बात की जाती है तो वहां पर ब्रह्म में पीछे छिपा हुआ है कि वो ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है। प्राणम व्यजानाति ब्रह्म, तो प्राण को ही ब्रह्म जाना जाता है। यह यहाँ पर संकेत है
और यह कहा जा रहा है कि अगर हम इस तरह से इसको अलग अलग मानेंगे, अगर हम प्राण को इसी का मान लेंगे, शरीर की ही या वाणी के लिए ही जो प्रयुक्त होता है, जीवात्मा के लिए ही प्रयुक्त होगा, तब पता क्या पता चलेगा कि यहाँ पर त्रिविध उपासना की समस्या खड़ी हो जाती है। यानी हम लोगों को जो उपासना यानी अल्टीमेट की उपासना की जाती है, जो सबसे आदर्श सबसे उच्च स्थिति होती है, तो उच्च स्थिति तो परब्रह्म की मानी जाती है। तो अगर हम लोग प्राण को ही मान लेंगे, अलग मान लेंगे, विलक्षण मान लेंगे, उससे भिन्न मान लेंगे, तो एक तो फिर हमको प्राण की उपासना करनी पड़ेगी, जीवात्मा की उपासना करनी पड़ सकती है, परमात्मा की उपासना करनी पड़ेगी। इस तरह से तीन उपासना हो जाएगी। सॉरी। तो यह यहाँ पर संकेत बादरायन जी दे रहे हैं कि हम इस स्थिति में ना फंसे कि अलग अलग के लिए हम यह सोचें कि यह स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र है, और फिर हमको इस त्रैत में फंस जाना पड़े। यहां पर बादरायन जी ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र का मुख्य ध्येय क्या है? अद्वैत। लेकिन अगर हम प्राण को भिन्न मान लेते हैं तो अद्वैत समाप्त हो जाएगा, फिर तो पर ब्रह्म और प्राण में हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। मूलतः बादरायन जी की यह कोशिश है कि चाहे कोई भी चीज हो, उसको अंततः ब्रह्म ही सिद्ध करना है, और इसलिए एक ब्रह्म की उपासना की बात हो रही है। तो त्रैविध उपासना से बच जाएंगे, यानी त्रैत से बच जाएंगे। बहुत लोगों ने त्रैत की भी बात कर ली, तो उसको आदर्श स्थिति नहीं माना जाता है। बादरायन के हिसाब से अद्वैत स्थिति ही सिरमौर है। तो अद्वैत स्थिति का मतलब हो गया कि बस सारे जो हैं एक साथ ही हैं, सब में एकत्व है, एकाकारता है, और इसके कारण ही पर ब्रह्म परमेश्वर ही सिरमौर हैं, और उन्हीं की ही सारी चीजें हैं, और सारे रूपों में वे ही अपने को प्रकट किए हुए हैं, तो वे ही वे हैं, उनके सिवाय कुछ नहीं है। तो यह बतलाने का यहाँ पर ध्येय है, इसीलिए वो ब्रह्म और प्राण की एकता कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि इसे त्रिविध उपासना का संकट आ सकता है अगर हम इनको अलग-अलग मानते हैं तो। इसलिए प्राण को ब्रह्म का ही वाचक माना जाए। हरिओम।